मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वही हम हैं जहाँ। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फ्री बर्ड एंड पेट एनिमल्स चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मेरा एक पेट मैना बर्ड की स्टोरी शेयर करूंगी। मैं तभी 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरे पास एक पेट मैना बर्ड था। जो वो मैना बर्ड मैंने तो पेट रखा था, पर मेरे घर के कोई भी फैमिली मेम्बर्स को वो पेट रखने के लिए इच्छा नहीं था, पर मेरा मन था करके मुझे वो ख़रीद के दिया। बाकी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेना देना नहीं था कि मेरा मैना बर्ड क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। मैं ही मेरे मैना बर्ड का देखभाल करती थी। सुबह उठ के सबसे पहले मैं मेरे मैना बर्ड को हेलो बोलती थी, गुड मॉर्निंग बोलती थी, और जो वो तरह तरह के आवाज़ निकालती थी, मैं भी उसके साथ मैं कॉपी करती थी, मैं रिपीट करती थी। मैं उसे कृष्णा कृष्णा बोल मतलब सिखाने का कोशिश करती थी। मैं मेरे मैना बर्ड को सीड्स, केला खिलाती थी, नहलाती थी, क्लीन करती थी केज को, और सब साफ़ सफाई का काम मेरा ही था। बाकी कोई भी मेरे मैना बर्ड के तरफ ध्यान भी नहीं देता था। एक दिन का बात है, जब मैं स्कूल जा रही थी, उस दिन मुझे स्कूल के लिए मैं बहुत लेट हो रही थी, तो जल्दी जल्दी में मुझे कुछ खाना देने को नहीं मिला मेरे पक्षी को। एक बहुत ज़्यादा पका हुआ केला था, तो मैंने वही केला मेरे मैना बर्ड के लिए, ध्यान नहीं था। बार बार मेरा मैना पक्षी का याद आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं उसको केला तो दे के आई, वो मतलब केला पसंद है पर उतना ज़्यादा केला खाती नहीं है। बाकी कुछ भी मैंने सीड्स वगैरह नहीं रखा, तो ऐसे ही बार बार सोच आ रहा था मन में। जैसे मेरा स्कूल छूटा, मैं दौड़ते दौड़ते भागते भागते घर आई। आके सबसे पहले मैं मेरा मैना पक्षी से मिलने गई। जब मैं मिलने गई तो पहले मुझे लगा मेरा मैना पक्षी सो रही है, मतलब कुछ मूवमेंट नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं जब देखते रह गई कि क्यों नहीं हिल रही, हिलाने का कोशिश किया तो भी नहीं हिल रही, तो मुझे समझ गया कि मेरा मैना पक्षी का डेथ हो गया। मेरे हाथ से बैग उधरी नीचे गिर गया, मैं एकदम एक जगह पे ही सुन हो गई थोड़ी देर के लिए कि मेरा मैना पक्षी मुझे छोड़ के चली गई। ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी कि क्यों कोई नहीं मेरा मैना पक्षी को ध्यान नहीं, क्यों नहीं दिया, किसी को पता भी नहीं है मेरा पक्षी मर गई। तो ऐसा रोने लगी, पर किसी को क्या ब्लेम करना, किसी को तो इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा मैना पक्षी के ऊपर। शुरू में वो लोग बोल रहे थे तुम मत रखो, उनको बराबर क्लीनिंग करना पड़ता है, साफ़ सफाई रखना पड़ता है, केज में रखना अच्छा बात नहीं है, शुरू से बोल रहे थे। पर मैं, मुझे अच्छा लगता था कोई मेरे साथ ही रहेगा, मेरे पास रहेगा, केज में है तो मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ, तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे इतना बहुत ज़्यादा बुरा लगा लास्ट में जब मेरा मैना पक्षी चली गई, कि शायद मैं अगर वो बहुत ज़्यादा पका हुआ केला मैंने उसको दे दिया, उसके वजह से मेरा मैना पक्षी की शायद डेथ हो गई, क्योंकि वो केला बहुत ज़्यादा पक गया तो वो थोड़ा पॉइजनस हो गया रहेगा, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं, या तो उसने खाई ही नहीं, क्योंकि उसने खाई ही नहीं। मैंने देखा वो केला का थोड़ा सा ही एक टुकड़ा ही उसने खाने का कोशिश किया, मतलब वो इसलिए भूख के मारे भी वो मर गई होगी। तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद वो केज में ना रहती तो वो बच जाती, केज में रखने के कारण मेरा मैना पक्षी का डेथ हो गई। केज में ना रहती तो भूख हो, प्यास हो, कुछ भी हो, वो उड़ के चली जाती थी, वो अपना जान बचा सकती, तो मैंने ही मेरा मैना पक्षी का पक्षी को मैंने मार दिया। ऐसा अभी भी मुझे जब याद आता है मेरा, मुझे रोना आता है। तो इसलिए मैंने मेरा चैनल का नाम भी फ्री बर्ड रखा, क्योंकि मुझे केज में रखे हुए बर्ड का वीडियो लेना पसंद नहीं है, वो मुझे याद आ जाता है, मेरे मैना पक्षी का याद आ जाता है। और जो भी हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।